जेवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स एवं मरीजों को अब विद्युत कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीते दिन स्वास्थ्य केंद्र पर 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम की व्यवस्था करा दी गई है। गौतमबुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बटन दबाकर इस सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया। एसोचैम और वॉल्वो इंडिया के सहयोग से 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जेवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग यही चाहते हैं सब जगह कि धीरे धीरे हम लोग बात करें, पर्यावरण बहुत जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। वोल्वो कार पूरी दुनिया में हम कोशिश करते हैं कि सुरक्षा के ऊपर महत्व दिया जाए, और पर्यावरण की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी भी एक किसी इंसान की जरूरत है। जिसके बाद अब अस्पताल के उपकरणों को बिजली आने का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। कुछ हॉस्पिटल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर कुछ इलाज नहीं हो पाते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको गर्मी लगती है, तो हमारा पहला कदम ये था कि यहाँ पर एक सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाए। सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर लोगों ने सरकार पर जो विश्वास जताया है, सरकार भी जनता की सुविधाओं के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। शक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, मंच पर उपस्थित वोल्वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय ज्योति मल्होत्रा जी, उद्योगपतियों की संस्था एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एसोचैम, हमारे एमओआई सुनील जी, अन्य चिकित्सक बंधुओं, मेरा सौभाग्य है भाई रंजीत जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी कर्म भूमि की माटी के इस सीएससी सेंटर, जिसका कोरोना काल में काफ़ी जीर्णोद्धार हुआ, बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। ये जेवर क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ चार चार मंत्रालयों में काम करने का आपने मौका दिया। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब फर्ज हम जनप्रतिनिधियों का है कि आपके इस कर्ज को हम कैसे चुकाएं। डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद। जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, एक जिम्मेदारियों के साथ नई दिशा उसके कार्य को मिलती है। जो समाज, जो क्षेत्र हमें मान सम्मान और पहचान देता, उस पहचान को हम किस तरह से सम्मानित करें और अपने क्षेत्र को कैसे वापस करें, यह विषय हमारे सामने रहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ वॉल्वो कंपनी के एमडी श्री ज्योति मल्होत्रा जी को, जिन्होंने ये प्रेरणा लेकर और ये महसूस किया कि ये सीएससी सेंटर, कल्पना करो इस गर्मी में बिजली चली जाए तो क्या हाल होगा, क्या यहाँ का बिजली का बिल इतना हो जाए और 6 महीने तक जमा ना हो और बिजली डिपार्टमेंट यहाँ की बिजली काट दे। अब ये दोनों व्यवस्थाएं खत्म हो गई। एसओचएम के भाई संदीप जैन जी हमारे बीच में हैं, इन्होंने और वॉल्वो ग्रुप ने अपने सीएसआर फंड व्यवस्था के तहत जिस 10 किलोवाट की क्षमता का ये सोलर इन्वर्टर, जिसको हम लोग अभी ऊपर देख कर आए, इसकी शुरुआत करी, ये इस पूरे अस्पताल के पूरे लोड को लेने के लिए सक्षम है। और अगर बिजली ज़्यादा बन गई धूप के जैसे आज के समय में, तो फालतू बिजली ग्रिड में चली जाएगी, जिसका भी बिजली का खर्चा मीटर बिल से वापस आ जाएगा। सोलर पावर हमारा भविष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम पूरे उत्तर प्रदेश को क्लीन उत्तर प्रदेश, ग्रीन उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर। इसी सप्ताह में पौधारोपण भी हुआ है, और जितना हम सोलर एनर्जी पर अपनी निर्भरता बढ़ा लेंगे, प्रदूषण से तो बचेंगे ही, बिजली का खर्चा भी लगभग आधा हो जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं दोनों संस्थानों को, एसोचैम को भी और वॉल्वो ग्रुप को भी, मेरे पत्रकार छायाकार बंधु
ये समझें कि ये लोग कहां से चलकर आए हैं जेवर के कोने में, जहां उन्होंने महसूस किया कि इस जगह को ज़रूरत है और उस ज़रूरत को इन्होंने पूरा किया है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं, मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरे अध्यक्ष भाई अशोक शर्मा जी, हमारे दोनों प्रतिनिधि भाई सतपाल तालान जी, भाई सोनू वर्मा जी, भाई संजीव शर्मा जी, मनोज जैन जी, मेनका जी, त्रिलोक शर्मा जी, नरेश त्यागी जी, बॉबी शर्मा जी, विकास जी, चरौली साले, मदन प्रधान जी का तो नाम भूल गए, शिवम भाई। भविष्य में CSR के जरिए क्षेत्र की जनता के लिए अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।